नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, हम इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं जो प्रीवियस पेपर हैं जो UPPCL TG2 के अंदर आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। चैप्टर वाइज स्टेप बाई स्टेप हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम इस वीडियो को अच्छी तरीके से एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए ताकि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं और आपके UPPCL TG2 का जो एग्ज़ाम को देखते हुए हम इसी प्रकार से क्लास को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों का सारा ही, आप लोगों के सपोर्ट से ही आप लोगों का चैनल है और इसी को आप आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि LT और HT लाइन पर काम करने वाले दोस्तों, एक सेकंड, काम करने वाले, थोड़ा सा इसको जूम कम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, LT और HT लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन के पास खालिस्तान होना चाहिए, क्योंकि LT और HT का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लो टेंशन और हाई टेंशन। ठीक है, HT और LT का मतलब लो टेंशन और हाई टेंशन पर लाइन पर काम करने वाले व्यक्ति के पास कौन सा किस प्रकार का प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप लोगों का सबसे पहले आप लोगों के सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, वायरमैन का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, राशन कार्ड से भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ड्राइविंग लाइसेंस से भी कोई मतलब नहीं है और आधार कार्ड से भी कोई मतलब नहीं है। उस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स रहेगा वायरमैन का जो प्रमाण पत्र, यानी उसके पास जो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित किसी प्रकार का सर्टिफिकेट आप उसके पास है तो हम उसको अच्छे तरीके से उसको काम देने के लिए तैयार रहेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वायरमैन का प्रमाण पत्र। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कणक लग्न में केबल खालिस्तान का उपयोग करते हुए क्रिम्प किया जाता है, यानी कि कणक लग, करण का मतलब क्या होता है, करण किसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो वायर हमारे पास है उस वायर के आगे जो हम क्या लगा रहे हैं, लग्स लगा रहे हैं, उस लग्स को हम किस प्रकार से उसको टाइट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से उसको टाइट कर सकते हैं इस वाले भाग को, देखिए यहाँ से हम उपयोग में क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करेंगे, यानी तार जो स्टेपर होता है ये वायर के इंसुलेशन हटाने का काम करता है, प्लायर होता है ये पकड़ने और वायर को मरोड़ने का काम करता है, केबल कर्तृत्व, ठीक है, ये केबल का जो वायर होता है, भाग होता है, और इसके बाद में है क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण, चिमटा या प्लायर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों, क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण यानी चिमटा, यानी क्रिम्पिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेती में प्रयुक्त होने वाले सामग्री है, यानी कि जो रेती जो फाइल से बनाई जाती है, ठीक है, उस फाइल किसकी बनाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स रहेगा, यानी कच्चा लोहा, उच्च कार्बन स्टील और नरम इस्पात। दोस्तों ये भी देखिए आपके सामने दिखा हुआ है UPPCL TG2 का 24/1/2019 शिफ्ट नंबर फर्स्ट का पेपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आप लोगों के सामने ये जो पुराने पेपर्स है, प्रीवियस पेपर है, उनको सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आपको पिछले पेपरों के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की और रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री हाई कार्बन स्टील, यानी कि उच्च कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। संकीर्ण का मतलब जगह, मतलब क्या होता है, जो सकड़ी जगह होती है उस सकड़ी जगह में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर का प्रयोग किया जाता है, साइड कटिंग प्लायर या ओनली ये तार को काटने का काम करता है, और गोल नॉक प्लायर, जो राउंड नोज प्लायर जिसको हम बोलते हैं, ये काम
ठीक है, जो वायर को घुमावदार बनाने के लिए जोड़ प्लायर यानी कि जोड़ देने वाला या सो ट्विस्ट करने वाला भाग, लंबे नोकदार प्लायर, ठीक है, तो ये भी यूपीपीसीएल टीजी टू के अंदर क्वेश्चन से आया हुआ है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आया हुआ, क्योंकि इस लंबे नोकदार जो प्लायर्स होता है उस लंबे नोकदार प्लायर का प्रयोग हम एक सकड़ी जगह पर इसको प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से आप लोगों को ये चीज़ें समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और आप लोग इस चैनल के ऊपर ज़रूर विजिट करिए, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आप लोग वीडियो को स्किप ना करिए, ठीक है। आप लोगों को लास्ट तक बहुत ही कुछ अच्छा मिलने वाला है और कुछ बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस चैनल के ऊपर प्रैक्टिकल्स जो चल रहे हैं उन प्रैक्टिकल्सों की बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। टी स्क्वायर का प्रयोग खालिस्तान कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है, जो टी स्क्वायर होता है यानी कि जिसको हम बोलते हैं ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर को हम किस प्रकार से, जैसे ये होता है तो ये 90 डिग्री के एंगल पर इसका कार्य करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को आप एक समझने की कोशिश करना, ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर पाओगे, ठीक है। कोई भी चीज़ को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रिशियन के लिए टूल किट में नहीं पाया जाता, यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है उस इलेक्ट्रिशियन के अंदर आप लोग को जो टूल्स दिख रहे हैं उस टूल्स में कौन सा उपकरण नहीं होता है। इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे यह है कि इलेक्ट्रिशियन नाइफ भी होता है, टेस्ट लैंप भी होता है, इसको ड्राइव भी होता है, वॉइस नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि वॉइस क्या होता है, एक बेंच वॉइस यानी फिटर की जो ट्रेड्स होती है उसको जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के लिए वॉइस का चयन खालिस्तान पर निर्भर करता है, जो काम के लिए जो वॉइस होती है, बेंच वॉइस हो चाहे हैंड वॉइस हो, ठीक है, बेंच वॉइस हो चाहे हैंड वॉइस हो, तो उसका निर्भर किस प्रकार से, उसका चयन किस प्रकार से किया जाता है, कब्जे के आकार पर, सामग्री पर, वजन पर, लंबाई पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कब्जा का जो आकार होता है, जो आकार का मतलब यहाँ पे उसका जाके जो साइज होता है, उस साइज के अनुसार क्या किया जाता है, उसका आकार के आधार पर उसका चयन किया जाता है वॉइस का, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पावर हेक्सा ब्लेड धातु काट आरी की मोटाई खालिस्तान होती है, जो पावर हेक्सा ब्लेड होती है उस हेक्सा ब्लेड की जो कटिंग जो मोटाई होती है वो कितनी होती है। देखिए, 1.28 सेंटीमीटर से 2.54 सेंटीमीटर, 1.278 सेंटीमीटर से 2.544 सेंटीमीटर, 0.27 सेंटीमीटर से 2.44 सेंटीमीटर, 1.27 सेंटीमीटर से 2.54 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो साइज़ की जो मोटाई होती है 1.27 सेंटीमीटर से 2.54 सेंटीमीटर के बीच में इसको मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग कैलीपर के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग कैलीपर के अंदर माप स्थानांतर करने के लिए किया जाता है, जैनी कैलीपर, स्टील में पैमाना, विभाजक और लेग कैलीपर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जैनी कैलीपर का इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग ज़्यादा टाइम ना गवा के इसको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू इसको बना के रखते हैं। क्षेत्र पृष्ठ की वक्रता की जाँच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि क्षेत्र पृष्ठ की वक्रता की जांच करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इस्पात मापी, गुनिया, त्रिजुकोण, सर्वोत्तरीक पृष्ठ कापी, प्रमापी, ठीक है। तो यानी क्षेत्र पृष्ठ की वक्रता की जांच करने के लिए, यानी कि क्षेत्र एरिया की जो पृष्ठ की वक्रता जांच करने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं हम, यानी कि गुनिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे, गुनिया का, और इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बर्माई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ड्रिल चक्का, स्लीव का और टैग पुच का और ड्रिफ्ट का, ठीक है दोस्तों। जो बर्मा के अंदर जो बिट लगाया जाता है उस बिट को हम हटाने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं, हम ड्रिफ्ट का करते हैं। किसका करते हैं यहाँ पे, ड्रिफ्ट का करते हैं, ठीक है, किसका करते हैं, ड्रिफ्ट का करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट।
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो आप लोगों को चित्र दिख रहा है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है, यानी कि जो चित्र दिख रहा है उस चित्र को समझिए, पहचानिए कि ये किस प्रकार का चित्र है। स्ट्रेट स्निप का, बेंट स्निप का, हैंड ग्रिप का, क्रिम्पलिंग साइड कटिंग प्लायर का, यानी कि हेड क्रिम्प प्लायर का, ठीक है। स्निप नहीं हो सकता, स्निप तो काटने का काम करता है, बेंट स्निप ये चद्दर को इस प्रकार से काटता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि फ्यूज संरक्षण का प्रयोग खालिस्तान तक की धारा मूल्यांकन के लिए होता है, फ्यूज संरक्षण के लिए, यानी कि फ्यूज का संरक्षण का प्रयोग कितने एम्पियर तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। UPRVNL के TG2 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो फ्यूज का संरक्षण ज़्यादातर उपयोग हमारे पास कितने एम्पियर तक किया जा सकता है, इसको 100 एम्पियर तक का इसका प्रयोग किया जाता है। कितने एम्पियर तक किया जा सकता है, 100 एम्पियर तक इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया जाता है, जो हथौड़ा होता है, हैम्बर होता है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो हील का आकार और हैंडल की लंबाई के अनुसार, केवल भार और हैंडल की लंबाई के अनुसार, केवल ढांचे का आकार और भार के अनुसार, या केवल भार के अनुसार, ये ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि वेट के अनुसार ही इसका प्रयोग किया जाता है, यानी भार के अनुसार ही इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। की वेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, की वेज, हॉल नॉज छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, फ्लैट छेनी, कैप छेनी। जो की वेज होता है, वो की वेज का मतलब यहाँ पे है कि जो बारीक छेद निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो राउंड नॉज चीजल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटनी, अगर पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो पाइप के अंदर जो चूड़ी कटती हैं टेप के अनुसार कटती हैं, और बाहर की जो कटती हैं डाई के अनुसार, बाहर की और अंदर की, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है, वर्गाकार फाइल, आयताकार फाइल, त्रिकोणीय सपाट, फ्लैट, ट्रेंगल भी होता है, रेंटिलोगर भी होता है, स्क्वायर वर्ग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का वर्गाकार होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। चले लगते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है, तापमान, धारा और वोल्टेज और वाटेज, यानी कि टेम्परेचर के अनुसार क्या करता है इसका, ऑटोमेटिकली ही स्विच ऑफ की स्थिति में हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो टेम्परेचर कम होता है तो वापस थर्मोस्टेट स्विच ऑन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सुपर इनेमल तारों का गेज द्वारा मापा जाता है, यानी कि स्क्रू गेज, वायर गेज, इस्पात गेज और हस्त ड्रिल गेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि जो वायर गेज होता है, वायर गेज ही सुपर एनिमल तारों का गेज को मापने का काम करता है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारों के रोधन इंसुलेशन को सामान्यतः खालिस्तान द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि तारों का जो इंसुलेशन होता है उसको हम किस प्रकार से हटा सकते हैं, सपाट फाइल से, तार स्टीपर से, पाइप रिंच से, स्क्राइबर से। तो हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि जो वायर स्टेपर होता है उस वायर स्टेपर के माध्यम से इस तारों का इंसुलेशन है उसको हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे, और आप लोगों के चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सबसे सब्सक्राइबर कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को जैसे ही सब्सक्राइबर होने के बाद उसके पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं हमने जो देखे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, जो UPSC TG2 के अंदर आए हुए हैं। उस क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से देखते रहिए, इसी प्रकार से हम आपको मिलते रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो बाकी क्वेश्चंस रह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 के, तो हम देखते रहेंगे उसको आगे,
क्लास को। ठीक है, तो आज इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।